एक नई वीडियो में जो रेशो था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के ऊपर हम इसके ऊपर जो उससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है द रेशो ऑफ एक्सपेंसेज एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 26:3 इफ द मंथली इनकम इज 14,500 देन व्हाट इज द मंथली सेविंग। तो हमारे पास एक रेशो दिया है किसी आदमी का, तो उसका एक एक्सपेंडिचर है, उसको एक्सपेंस है मतलब कितने एक खर्चा करता है और बचाता है, सिंपली दिया है रेशो ई और इस सेविंग को हम यस मान लेते हैं। तो वो 26 पार्ट खर्चा कर लेता है और 3 पार्ट बचा लेता है। अब हमें इस एक्सपेंसेस और सेविंग का वैल्यू दिया ही नहीं, हमें तो डायरेक्ट इनकम दे दिया भाई, वो महीने में इतना कमाता है, तो उसका सेविंग पूछा कितना होगा। तो इनकम, तो आप सभी को भी पता है इनकम क्या होता है, हम जितना खर्चा करते हैं और जितना हम बचाते हैं तो दोनों का सम क्या होता है, इनकम होता है। तो इसको में इनकम क्या हो जाता है, सिंपली एक्सपेंडिचर, जितना हमने खर्च किया गवा दिया और जितना हमने सेव कर लिया। मान लीजिए इसका इनकम 3 रुपये था और इसने 2 रुपये खर्चा कर लिया और 1 रुपये बचा लिया, तो टोटल 3 रुपये आ गए। तो आई होप आपको समझ गया होगा इनकम का। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 23 मान लेते हैं टोटल, वो उसने 26 पार्ट खर्चा कर दिया और 3 पार्ट बचा लिया, तो टोटल उसके पास कितने पार्ट थे, 29 पार्ट थे, क्योंकि दोनों का ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 29 पार्ट, राइट, दोनों का सम कितना। तो हमें एक्चुअली हमने जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोनों का सम इतना दिया है, तो डायरेक्टली हमें इनडायरेक्टली इसमें हमें इनकम और एक्सपेंसेस में बता के हमें सम एक्चुअली दोनों का सम दिया है। तो 29 पार्ट जो इनकम है किसके बराबर है, 14,500, राइट। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, एक पार्ट तो हो जाएगा 14,500/29। हमें सेविंग का पूछा था, हम 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेविंग भी आ जाएगा, या फिर आप एक पार्ट निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात उतना ही आएगा, इधर आ जाएगा 3p, तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा 500 29 25 145, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 1,500। तो कितना बचा लिया भाई ने, 1,500 तो बचा लिया। अगर हमसे पूछा होता उसने खर्चा कितना किया तो हमें 14,500 में से 1,500 घटा देते तो कितना आ जाता हमारे पास, 13,000 उसने खर्चा कर देता, 13,000 वो खर्चा कर देता, राइट। हमसे लेकिन पूछा है सेविंग का, अगर हमसे पूछा होता एक्सपेंडिचर का था हमने वो भी बता दिया, ना पूछा होता तब भी हमने बता दी। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ सम मनी इज डिवाइडेड इन PQR, 3 बंदे में डिवाइड किया, इन रेशो 3:5:7, इफ द आर का जो शेयर है, इफ आर शेयर इज 1,600 मोर देन पी देन व्हाट इज द शेयर ऑफ क्यू। हमसे क्यू का शेयर पूछा तो बता देते, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पी और क्यू का दिया है, पूछा है क्यू का, पी और आर का दिया है और क्यू का पूछा है, कितना दिमाग वाले में। तो ये क्या हमारे पास पी क्यू और आर कितने रेशो में, 3:5:7 ये रेशो में हमें दिया है। अब क्या बोला है, आर का जो शेयर है पी से 1600 ज़्यादा है, 1600 ज़्यादा का मतलब क्या, अगर पी का शेयर 3 है और आर का भी शेयर 3 रहे तो दोनों का शेयर बराबर है, तो ज़्यादा का मतलब क्या, ये दोनों का रेशो, इसका रेशो 3 है इसका रेशो 7 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 पार्ट का, या फिर 4R का डिफरेंस आ जाएगा, या 4X का डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। तो यही 4X किसके बराबर है, 1600 के बराबर है, तो X कितने के बराबर है, सिंपली 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट, 4 2 जीरो लग गया, तो X का वैल्यू कितना आ गया, 400। हमसे पूछा किसका है, Q का पूछा, तो हम क्यू का बता देते हैं, तो 4X से मल्टीप्लाई करेंगे 400 से तो कितना आ जाएगा, सिंपली 2000। तो इधर शेयर कितना आ जाएगा, शेयर ऑफ क्यू इज 2000 आएगा। अगर हमसे पूछा होता कि
पी का कितना है और आर का कितना है तो भी हम इजीली बता सकते थे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2800। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो हमने रेशो में दिया वो सही था कि गलत था। अब देखिए 2800 में से 1200 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा, 1600 माइनस 1200 तो 0061। मतलब हमने जो वैल्यू निकाला एकदम सही निकाला। आई होप आप ये हमने तो क्रॉस चेक किया कि हाँ ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है आर इन रेशो 7, 9, 12, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो हमसे एक ट्राइंगल है राइट, वो कुछ रेशो में गया है 7, 9, 12 के रेशो में डिवाइड हुआ है। तो हमारे पास डिफरेंस दिया है स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, ये दोनों का हमारे पास डिफरेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे बड़ा साइड पूछा है तो हम बता देते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल का साइड सपोज कीजिए ए बी सी है, ए बी सी है, कितना दिया 7, 9, 12 रेशो में राइट। तो हमारे पास डिफरेंस दिया ये दोनों का राइट, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5x, 7, 5, 12 5x, वो कितने के बराबर है 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो x कितने के बराबर आ जाएगा 3। तो हमसे सबसे बड़ी साइड पूछा तो हम बता देते हैं, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें 36। तो द लॉन्गेस्ट साइड कितना आ जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको यह समझ गया। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का एक कॉपी था, पिछले क्वेश्चन में हमें मोर देन दिया था, इधर भी पूछ देता तो ये डायरेक्ट पूछता स्मॉलेस्ट साइड इज लार्जेस्ट साइड इज 5, लार्जेस्ट साइड इज 15 टाइम्स मोर देन स्मॉलेस्ट साइड, तो सिंपली यही आना ही था। तो आई होप आपको सब समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक मिक्सर का क्वेश्चन है रेशो के ऊपर से, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:9 ठीक है, इफ 27 लीटर ऑफ वाटर एडेड द रेशो बिकम 7:12 देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क। तो कुछ नहीं फाइंड कर सकते है। तो हमारे पास दो है, दो सॉल्यूशन, पहले एक मिक्सचर है, एक मिल्क है और वाटर। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है उसका रेशो 7:9 था, मिल्क और वाटर के बीच में रेशो था। बाद में उसने 27 लीटर वाटर ऐड किया तो उसका रेशो क्या बन गया 7:12 बन गया राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने मिल्क में कुछ भी छेड़खानी नहीं की, उसने मिल्क ऐड ही नहीं किया, तो इसीलिए इसका मिल्क का रेशो कांस्टेंट है राइट। हमें मिल्क का अमाउंट पूछा, इसमें आफ्टर भी पूछता तो भी उतना आंसर आता और पहले भी पूछता तो भी हम उतना ही बताते। लेकिन अब ये रेशो में था, अब उसने 27 ऐड किया है, लीटर वाटर ऐड किया तो 27 लीटर कितने के बराबर। अभी पहले उसका रेशो 9 था, अब 12 हो गया, मतलब 9, 3, 12 3 से बढ़ गया, मतलब 3x बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, 27 लीटर वाटर उसमें ऐड किया था तो किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर। तो सिंपली एक्स का वैल्यू कितना, ये मतलब सिंपली आप इतना समझिए, पहले 9 पार्ट था अब 12 पार्ट हो गया, तो 3 पार्ट आ गया एक्स्ट्रा। तो किसकी वजह से आया, वो 27 की वजह से आया, तो 27 किसके बराबर, 3 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 9 पार्ट 9 के बराबर होगा। जब एक 9 के बराबर है तो 7 कितने, हमें मिल्क पूछा तो 7 कितने के बराबर होगा 63। तो यही हमारा आंसर है 63 लीटर उसमें मिल्क ही। इनिशियल अगर पूछता इनिशियल टाइम में मिल्क कितना था वो भी कांस्टेंट था, वो भाई मिल्क से तो छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा, वो तो बोल ही रहा है क्लियर हमने सिर्फ पानी मिलाया तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो अगर यही पूछा होता इनिशियल में कितना वाटर था तो हम बता सकते इनिशियल में 9 से 81 हो जाएगा, और बाद में कितना वाटर पूछा नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में कितना वाटर होगा इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 104 राइट, बर्नमा 108 सॉरी बर्नमाट होते। तो ये हमारे पास इतना आ गया। तो आई होप आपको ये सब समझ गया होगा। तो इसका सिंपली हमें आंसर बता देते हैं, मिल्क कितना आ जाएगा, मिल्क हमारे पास 63 लीटर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है क्या, सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी सच डैट बिगेस्ट 12.5% मोर देन ए बट 25% मोर देन सी। कोई बात नहीं, ए और सी को इफ ए एंड सी गेट 5,700 तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। कुछ नहीं कर देते हैं। तो इससे करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। मैं ये पहले बताता हूँ, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ये कैसे आया, तो सिंपली 25/100 आया तो हो जाएगा 1/4। तो ये भी वैसा है, ये पहला होगा 12.5 इधर 100 रहेगा राइट, जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8। तो आई होप आपको ये समझ ही गया हो। इन शॉर्ट 12.5 का मतलब होता है 1/8% और 1/4 का आपको पता ही 25%। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी और सी थे राइट, क्या ए गेट्स 12.5% मोर देन बी गेट, क्या बोला है, बी गेट 12.5% मोर देन ए राइट। तो बी गेट्स 25% मोर देन ए, तो बी को कितना पार्ट, 9 पार्ट मिला होगा, ए को 8 पार्ट मिला होगा, इधर सी था, बी गेट्स 12 पॉइंट मतलब 1/8 ज़्यादा मिला। सिंपली क्या आ जाएगा, बी को अगर 9 पार्ट मिला होगा, ए को 8 पार्ट मिला होगा, इसका मतलब यही होता, बी गेट 12.5% मोर का मतलब यही होता। ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है, बी को अगर 9 पार्ट मिला होगा तो ए को 8 पार्ट मिला होगा। ये तो एक पहला रेशो बन गया। दूसरा क्या कहता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाय बी है, 1/8 आया था परसेंटेज, तो ए को 8 मिला होगा, बी को 9 मिला होगा, यही होता है बी गेस्ट 12.5% मोर का मतलब। ये अगर आपको समझ गया, ये बहुत से क्वेश्चन में आता है, प्रॉफिट लॉस में आएगा, परसेंटेज में तो आना ही आना, इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, SICI में भी पूछता है। तो ये एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। ये पहला कंडीशन हमने, और क्या पूछा है, बट 25% मोर देन सी। तो अब बी और सी का रेशो देते हैं, बी का 25% मतलब क्या, 1/4। तो बी जो है 25% ज़्यादा लेता है, किससे, सी से, मतलब बी अगर चार पार्ट ले रहा होगा तो बी डेफिनेटली 5 पार्ट लेगा, तो हो जाएगा 5/4। तो ये हमारे पास ये दो रेशो आ गए। अब दोनों को हम कैसे कंबाइन करते हैं, सबको पता है, ए बी सी हम पहले कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमें ए और सी का दिया है, ये 8 और 9 के बीच में है और ये है 5 और 4 के रेशो में। तो सिंपली आपको कैसे बताया था, इसको कंबाइन करने के लिए ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 9, इधर खाली जगह है तो इधर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा 9 × 4 = 36। तो ये रेशो में ये जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है राइट। तो हमें क्या दिया, हमें ए और सी का दिया, ये दोनों का हमें दिया, मतलब मान ली एक्स पार्ट है, एक्स रेशो में, ये सब एक्स रेशो में, तो उसको हमें 40x + 37x कितने के बराबर दिया, 57 राइट, 00। तो टोटल कितना आ जाएगा, 76x = 5700। सिंपली एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 57 00 by 76। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 19 × 57 और दो जीरो लग जाएगा और 19 × 76 मतलब 190/4 सॉरी इधर 3 आएगा, 19 × 57 19 × 76 मतलब 300/4, ये हमारे पास आ गया एक्स का वैल्यू, ये हमारे पास एक्स का है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड सी, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सिंपली 44 का डिफरेंस आएगा, 40 है इधर 36, तो 4 पार्ट का वैल्यू हम करेंगे तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए एंड सी का 300। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मजेदार क्वेश्चन है, क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज 3:2, डैट ऑफ मदर एंड सन इज 3:2, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, इफ प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 20, फाइंड द प्रेजेंट ऑफ फादर, मतलब उसके पिताजी का हमें उम्र निकालना है। कुछ नहीं निकाल देते, पहला क्या है, फादर और मदर का है, फादर और मदर उनका रेशो कितना है, 3:2 है, और इधर सन है, तो इसका 3:2 है और इसका भी 3:2 है, मदर और सन का, राइट। तो ये हमारे पास रेशो दिया, इसको हम कंबाइन रेशो बना लेंगे, राइट। तो ये इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, राइट। ये सभी का क्या आ गया, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब क्या, अगर उसके पिताजी 9 साल के हैं तो उसकी माताजी 6 साल की है और वो खुद 4 साल का है, राइट। लेकिन हमें जो सन है उसका प्रेजेंट एज दिया, मतलब ये 4x है, जो वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर, तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 20/4 के बराबर, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया, हमसे पूछा कितना उसके पिताजी का, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45। तो उसके पिताजी का उम्र कितना है, फादर का उम्र 45। अगर पूछा था मदर का, तो मदर का बता देते 30 और इसका 20, तो ये दोनों, ये तीनों का हमने एज बता दिया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।